तो ये मैं दुबई डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट आ गया था करीम के बाइक स्टेशन पे। तो मैं अभी आपको करीम बाइक में थोड़ा ये कनाल है सारा, ये सब सारा कनाल है, इसका मैं आपको थोड़ा व्यू कराऊंगा। ये सारा कनाल है, ये करीम बाइकें हैं, ये दुबई डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट है। ये सारा जो एरिया ना दुबई डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। तो सूरज तो काफ़ी ऊपर निकल चुका है तो थोड़ा लेट है। एनीवे मैं आपको ये दिखाता हूँ जगह ना, सारी जगह है, आपको थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा, थोड़ी थोड़ी जगह के बारे में बताता रहूँगा जितनी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, जितनी होगी मैं उतनी आपको आई विल प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले करीम को मैंने अनलॉक करने का मैंने आपको सॉफ्टवेयर मैंने वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। जब आपके पास वो आ जाएगा तो मैं आपको बताऊँगा, ये देखें वीडियो। मैं आपको बताऊँगा कैसे करीम ऐप यूज़ करते हैं बाइक के लिए। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में जाना है, यहाँ पे आपने करीम लिखना है, करीम, और इसमें ये ऐप मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, राइड फूड। इसको ओपन करेंगे तो ऐसे ही ओपन हो जाएगा। लेकिन मेरा तो 15 डेज़ आ रहा है, आप लोगों का 60 डेज़ आना चाहिए या 90 डेज़ आना चाहिए करीम प्लस फ्री। तो मैं ऑलरेडी यूज़र हूँ, इस वजह से मेरा कम डेज़ आ रहा है, आपका ज़्यादा डेज़ आएगा। इसको क्लिक करेंगे और ये आपको बता देगा कि ये सारी ऑफ़र बताएगा, और उसके बाद आप सिंपली ट्राई करेंगे। तो ये वीज़ा कार्ड की मैंने ऑलरेडी डिटेल डाली हुई है, तो एनी यू कैन कैंसिल एनी टाइम का ऑप्शन भी है। तो 15 डेज़ का है मेरा, आपको 90 डेज़ मिलने चाहिए, नए यूज़र्स को 90 डेज़ देता है। ये प्रोसेस कर रहा है, थोड़े अमाउंट डेबिट करता है फिर क्रेडिट कर देगा। ये योर ये देखें जनवरी में एंड हो रहा है, योर सब्सक्रिप्शन इज़ एक्टिवेटेड। तो बस ये स्टार्ट हो जाएगा, बेनिफिट हम लोग लेना शुरू कर देंगे। तो सिंपली फिर यहाँ पे जाके बाइक पे क्लिक करना है, बाइक का एक ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वो डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आपको वो लोकेशन बता देगा कहाँ पे है मशीन। मैं अभी ड्रैगन मार्ट के सामने वाली मशीन पर खड़ा हूँ, तो मैं ये यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से ये यूज़ होता है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल है, कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है। इस मैप को आप जितना जूम करना का है, जैसे गूगल मैप यूज़ होता है सेम तरीके से यूज़ होता है। तो ये आपने किया, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप इधर है, इधर कहाँ का साइकिलिंग ट्रैक इधर इधर बना हुआ है। मेरा अभी प्लान है इस तरफ हॉनिश की तरफ, मुशरफ पार्क की तरफ जाने का, तो उस तरफ जाऊँगा। तो ये सारी साइकिलिंग बता देगा कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है साइकिलिंग। ये सारे ग्रीन ग्रीन जो आ रहा है, ये सब साइकिल करीम की साइकिल के स्टेशन हैं। तो इस तरीके से यूज़ होता है। चलें मैं फिर आपको आगे चला के भी दिखाता हूँ। अच्छा, तो आपने वीडियो देख ली होगी, अब समझ गए होंगे किस तरीके से होगा। तो ये मैं आपको भी मैं इसको एक्सेस करने का तरीका बता रहा हूँ। उसमें आप बाइक में जाएंगे, बाइक का ये ओपन हो रहा है, तो ये आपने स्कैन पे दबाना है, स्कैन ब्लूटूथ को अलाउ करवाना है। तो ये बार को स्कैन करना है, बस ये बार को स्कैन करेंगे तो ये आपका ये आवाज़ आएगी और ये आपका ओपन हो गया। तो ये आपने बस खींचेंगे तो ये ओपन हो गया, आपका बाहर आ गया साइकिल, आपकी ना मशीन से बाहर आ गया। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है, स्टार्ट है। कुर्सी थोड़ी नीचे है, ये मैं थोड़ी ऊपर कर लेता हूँ कुर्सी को, क्योंकि मैंने ऊपर कर दी कुर्सी। तो ये कुर्सी ऊपर हो गई है, तो मैंने साइकिल निकाल ली है। तो चलें मैं इस साइड पे जाता हूँ, राइट साइड पे जाऊँ लेफ्ट साइड पे, आप क्या बोलते हैं? चले मैं लेफ्ट साइड पे चेक करता हूँ, राइट साइड पे वो है दुबई वाइल्ड और लेफ्ट साइड पे बिजनेस वे है। मैं लेफ्ट साइड की तरफ चलता हूँ, ठीक है। मैं मेरा कैमरा थोड़ा सेट नहीं हो रहा, हाथ में रख के ना साइकिल चलाते हुए मैं बना नहीं पा रहा सही तरीके से ना वीडियो। तो मैं कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कैमरा ना मैं इधर लगा देता हूँ सीने पे, तो मैं उसमें आपका डिटेल बताता रहूँगा, ठीक है। चला सकूँ साइकिल, तो ये जो है ये हम बिजनेस वे में हैं अभी। ये बिजनेस वे है, ये देखें साइकिल खड़ी हुई है सामने, ये होती है चलने वाली ना साइकिल। ये ब्रिज है, ये इलेक्ट्रिक होती है, इलेक्ट्रिक स्कूटी इसको कहते हैं। तो ये सारा बिजनेस वे का एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं सारा बिजनेस वे का एरिया है। तो ये सिंपली
ये सारा बिजनेस बैग आइडिया आप देख रहे हैं, तो ये है सारा आइडिया। ठीक है, आज मैं चेक करता हूँ वीडियो सही आप बन रही है नहीं बन रही। ठीक है चलें, ओके अस्सलाम। तो ये बस कनाल का एरिया है, लोग घूम रहे हैं इधर। कुत्ते लेके घूम रहे होते हैं लोग इधर, यहाँ पे ये देखें बियर बैठा हुआ है सामने। तो ये सारा ब्रिज है। तो ये सारा बिजनेस वे का एरिया, सारा ये बिजनेस वे है, उसके साथ ये इन्होंने कनाल बनाई हुई है। ये कनाल आपने बनाई हुई है, आप कनाल में बैठ के जा सकते हैं। यहाँ पे शिपें चलती हैं, जैसे ये देखें ये आ गया मरीन यार्ड आ गया, ये यहाँ पे सारी शिपें हैं, यहाँ पे आप रेंट आउट भी कर सकते हैं, लोगों की प्राइवेट शिप्स भी होती हैं यहाँ पे इस एरिया में सारी ना, ये जो एरिया है इस एरिया, तो ये प्राइवेट ले के भी जा सकते हैं लोग। तो ये सामने होटल भी हैं, रेजिडेंसी भी हैं इधर इस एरिया में। तो बस तरीके से बना के रखा हुआ इन्होंने एरिया को, और तो आप देख सकते हैं सारा मरीन का एरिया है, सारा बड़ा साफ सुथरा एरिया है। तो दूसरा भी कोई करीब में चला रहा साइकिल, देखें कमीज़ उतार के चला रहे हैं, गोरे लोग होते हैं उनको सर्दी, ये बड़ी नॉर्मल सर्दी है उनके लिए, ये तो हम लोग हैं जिनको थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो ना गोरों के लिए तो देखे, जैसा आपने देखा कमीज़ उतार के घूम रहे हैं, बड़े सिंपल है उनके लिए, तो वो देखें बड़ी अच्छी डिज़ाइन की वो बनी है। ये जो है सेकंड ट्रैक है, नीचे लिखा हुआ है ये सेकंड ट्रैक है दोनों, ये वाला और ये वाला। तो रनिंग भी लोग करते हैं, लेकिन मेनली दिस इज फॉर सेकंड ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक इसलिए इस साइड पे। तो ये सही है, मैं यहाँ पे मरीन है सारा, ये इन्होंने देखें फ्लोटिंग हाउस बनाए हुए इन द वाटर, वाटर में देखें फ्लोटिंग पानी है, और ये हाउस बनाए हुए। तो इसलिए हमें ये साइकिल चलाता जा रहे हैं। तो ये सारे फ्लोटिंग हाउस है ना वाटर, फ्लोटिंग हाउस वो देखें सब जबरदस्त बिल्डिंग बनाई हुई उस साइड पे ना, उस साइड पे। तो ये बस हाउस बनाया हुआ, ये इतनी बिल्डिंग है सारी, ये आपने देखा फ्लोटिंग हाउस बनाया हुआ जैसे। तो चल इंडिया में आपको आहिस्ता आहिस्ता ये दिखाता रहूँगा क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कैसे आती, जो आती रहेंगी मैं आपको फॉर टाइमिंग दिखाता रहूँगा। ठीक है, कनाल का एरिया, पानी पानी पानी, बिल्डिंग पानी बिल्डिंग। ये भी मेरे सामने बना है, पहले नहीं था ये, अराउंड पाँच से अराउंड 7-8 ईयर्स पहले बना है, उससे पहले पूरा क्लियर था, मतलब यहाँ पे बिल्डिंगें थी, रोडें थी, नॉर्मल चीज़ थी। इन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, देखें इतना ज़बरदस्त, तो काम माशाल्लाह से बड़ा अच्छा है इन लोगों का। ये सारा देखें बीच में पानी, समंदर से लिंक है, इसको समंदर से लिंक किया और सिंपली बस फिर पानी छोड़ दिया इसके अंदर समंदर से लिंक करके। तो वही स्ट्रेटजी होती है इन लोगों की, असल में पानी देख के लोग समझते हैं कि जगह अच्छी है। तो बस सिंपली इन्होंने पानी लेके आ गए बिल्डिंगों के बीच में, अब ये जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है बहुत ऊपर हो गई होगी। देखें करीब में लोग जा रहे हैं सारे, ये स्कूटी इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ पड़ी हुई हैं। तो ये सारा ट्रैक है, सीधा सिंपली ट्रैक जा रहा है आगे की साइड पर, ये सारा कनाल का एरिया है सारा, देख रहे हैं सब कनाल है। तो चलें ठीक है, मैं फिर आगे भी जाके आपको थोड़ा और दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली हम लोग कनाल के करीब आ रहे हैं, ये पूरा एरिया कनाल का आता है, लेकिन जो मिडिल है ना इस कनाल का मेन जो स्पॉट है वो ये शेख जायद रोड है, ये शेख जायद रोड है सामने, ये जो शेख जायद रोड की मिडिल ऑफ कनाल है। तो यहाँ मोस्टली लोग आते हैं, यहाँ पे एक कनाल की फाउंटेन भी रहती है, वो हो रही थी, पता नहीं अभी हो रही होगी नहीं हो रही, बड़ा ख़तरनाक खड्डा बनाया है उन्होंने, जब बनाया देखिए काम नहीं तरीके से करते हैं। तो यार देखें
ये शेख ज़ायद रोड है, ये शेख नहीं इसके आगे वाला वो जो आप इसके इस, ये ब्रिज है, इसके नेक्स्ट ब्रिज जो है वो शेख ज़ायद है। और ये जो एरिया सारा बिजनेस बे है, और यहाँ से ना ये भी बिजनेस बे है, इसके आगे अलकूज है वो भी इंडस्ट्री एरिया है। तो यहाँ से फिर स्टार्ट हुआ था। ये देखें इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बनाया हुआ ये चीज़, आप देखें। तो ये है सारा कनाल का एरिया। ये कॉल ट्रैक है, ये दूसरी जगह कनेक्टिंग कह सकते हैं, कनेक्टिंग साइकिलिंग ट्रैक है, लेकिन आगे जाके इसी से मर्ज जाता है। लेकिन ये मैंने सुना ये मैदान तक जाता है, मैदान है ना, एक मैदान साइकिलिंग ट्रैक है। साइकिलिंग ट्रैक का जो यहाँ पे सेटअप है बहुत अच्छा है, बहुत बड़े बड़े लॉन्ग साइकिलिंग ट्रैक हैं और बहुत जगह पे आपको मिलेंगे। हाँ मतलब साइकिल रफली चलाते रहें यहाँ पे। तो ये बिल्डिंग है, ये जब बन रही थी तो मैं इसमें आया था, ये बिल्डिंग बिल्कुल कच्ची थी, अब तो बन गई। हम लोग यहाँ पे स्टील सप्लाई करते थे तो हमारी मीटिंग थी उसके लिए आए थे। ये दुबई कैन आ रहा है सामने पानी का, ये शेख ज़ायद रोड है साथ। तो ये दुबई कैन है, यहाँ से आप पानी भर सकते हैं अगर आपके पास डिस्पोजल बोतल है। तो ये यहाँ से आप भर सकते हैं। ये हिल्टन होटल है, ये शेख ज़ायद रोड है, ये शेख ज़ायद रोड है। यहाँ पे पानी गिर रहा होगा, पानी अभी नहीं गिर रहा लेकिन जहाँ से पानी गिरता है। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द फेमस प्लेस इन दुबई का नाम। तो लोग इसी जगह को कहते हैं बेसिकली दुबई का नाम, रिकनाइज जो है ना दुबई का नाम का, वो इसी एरिया से है। ये दुबई का नाम, जहाँ से पानी गिर रहा है ये दुबई का नाम, दिस इज़ दुबई। सो रात में गिरता है, अभी भी गिरता है, अभी गिरता है पता नहीं, गिर नहीं रहा, आई थिंक बंद किया होगा, ख़राब होगा, कुछ मसला होगा। और ये आइकॉनिक ब्रिज है वहाँ, वो आइकॉनिक ब्रिज आप देख रहे हैं वो दुबई का नाम का, वो आइकॉनिक ब्रिज है। तो ये सामने आरटीई की टैक्सी है, ये आरटीई टैक्सी है लेकिन बड़ी है, ये बस होगी आई थिंक, हाँ ये बस होगी। तो ये भी सारा इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, सामने साइकिलिंग वाले आ रहे हैं, थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा साइकिल को। जो प्रॉपर्टी हेलमेट पहना हुआ है, मैंने तो नहीं पहना हुआ, मुझे पहनना चाहिए हेलमेट, रूल्स एंड रेगुलेशन यू हैव टू फॉलो। तो ये सामने आइकॉनिक है ये ब्रिज, ये कनाल के ब्रिज है, तीन ब्रिज हैं, ये ब्रिज आता है, इसके बाद एक नेक्स्ट ब्रिज आता है, उसके बाद एक नेक्स्ट ब्रिज आता है। ये वन ऑफ द आइकॉनिक ब्रिजेस। तो अभी सुबह का टाइम है, बिल्कुल एम्प्टी है, वैसे यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं होता लेकिन इवनिंग में फिर भी लोग निकलते हैं, सुबह असल में लोग ज़्यादातर आराम कर रहे होते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, ये खाली लग रहा है प्लेस। तो इस रात में इससे लाइटें वाइटें लगती हैं तो ये बड़ा सुबह। ये एक और स्टेशन आ गया करीम का, मैं यहाँ भी खड़ी कर सकता हूँ लेकिन मैं देखता हूँ थोड़ा आगे जाके खड़ी करता हूँ मैं, फिर वहीं से मैं वापस घुमा लूँगा। मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर जाके वहाँ से घुमा लेता हूँ वापस, ठीक है, ब्रिज के ऊपर ना, इस ब्रिज के ऊपर साइकिल लेके भी जा सकते हैं लिफ्ट के थ्रू आई थिंक, और उतर वहाँ से सकते हैं। तो आई थिंक मैं यही करूँगा कि ऊपर चढ़ा दूँगा लिफ्ट से और फिर वहाँ से नीचे कर दूँगा। तो ये टूरिस्ट हैं जो आगे घूम रहे हैं, टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट बहुत हैं अभी, और आजकल वेदर भी अच्छा है तो सिंपली दे कैन वॉक। तो ये कहानी है सारा। यहाँ एक दफ़ा मैं गिर भी गया था साइकिल में ना, बड़ा खतरनाक फॉल डाउन हो गया था मैं यहाँ पे, ये इस ऐसी जगह थी, बस मैं एक हाथ पे मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ जो आई थिंक इज नॉट करेक्ट वे टू राइड द बाइसिकल। तो वो बस मेरा जिस बैलेंस हुआ और थाप करके नीचे गया। ये देखेंगे जय कौन है, ये देखें फादर है बच्चे के साथ साइकिलिंग कर रहा है। ये वन ऑफ द आइकॉनिक ब्रिज, कनाल ब्रिज। तो ये आइकॉनिक ब्रिज है, मैं
आई थिंक इसी के ऊपर चला जाता हूँ यहाँ से, और फिर वहाँ से ऊपर से नीचे आ सकते हैं। आई थिंक मुझे वो लेनी पड़ेगी लिफ्ट, क्योंकि इसमें जगह नहीं है, तो सिंपली आई विल प्रेस द लिफ्ट कम डाउन, तो इट विल कम डाउन, ये आ रही कम डाउन, तो सॉरी गो अप। Going first floor. Door closing. तो ये बताते भी हैं बेसिकली गोइंग अप, बताते भी हैं भाई गोइंग अप है डाउन है, ये ना समझे कि आपने अब दबाया ग्राउंड चले जाए, नहीं अल्लाह चाहे तो ग्राउंड जाना पड़ेगा। तो ये ओपनिंग हो रहा है, ये हेलीकॉप्टर भी जा रहा है, हेलीकॉप्टर दिख रहा है आपको ऊपर है बहुत। ओहो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो हेलीकॉप्टर जा रहा है, वो हेलीकॉप्टर जा रहा है। चलें कि आइकॉनिक ब्रिज है, देखें ये सारा आइकॉनिक ब्रिज, ये वाटर का ना दोनों तरफ वाटर है, आइकॉनिक ब्रिज है, सिंपल क्या बात है, वो वाटर है, वो वाटर है। तो ये देखें हमें आपको देखें ये वाटर है, ये सारा ये प्योर वाइट वाटर, देखें कितना क्लीन वाटर है, और ये सारा बिजनेस बे का एरिया, सारा बिजनेस हम यहाँ से है वो बुर्ज खलीफा, सारा बिजनेस बे का एरिया। ये साफा पार्क है इस तरह पे, ये साफा पार्क है इधर, और ये जो एरिया ये सारा ये बीच की तरफ जा रहा है, ये जो एरिया है बीच की तरफ, जुमैरा बीच की तरफ जा रहा है, इसमें आप जाएंगे तो जुमैरा बीच पहुंचाएंगे इस एरिया की तरफ, ये जो एरिया जुमैरा बीच की तरफ वो साफा पार्क है। तो बस ये है, मैं अभी यहीं से नीचे उतर जाता हूँ, फिर मैं नीचे की तरफ चलते हैं, ये काम चल रहा है, बिल्डिंगें कुछ नहीं थी, बिल्डिंगें बन रही हैं हर जगह, देखना अभी आइकॉनिक प्लेस है ये, कनाल का ना कनाल को इस ब्रिज से बनाते, ये इसका ब्रिज का नाम भी है मेरे जहन से निकल रहा है, कुछ पीसफुल करके कुछ है ब्रिज का, मुझे भी याद नहीं आ रहा सही तरीके से, लेकिन इसका ब्रिज का नाम है तो ये हम नीचे उतर गए। मैं साइकिल को थोड़ी देर लगाता हूँ कि टाइम एक्सपायर ना हो जाए, फिर मैं निकालूँगा, ठीक है। ये हम अब दूसरी साइड पे आ गए हैं, पहले उस साइड पे चला रहे थे, मैं इस साइड पे आ गया। तो ये देखें सारा ये कनाल का, ये सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है, यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं कनाल पे बैठ के, आराम से देखते रहें व्यू करते रहें इस एरिए का, ये सामने कनाल का सारा है। तो ये देखें इन्होंने बड़ा ये सारा समंदर का पानी लिंक कर दिया इन्होंने, तो बेसिकली वो सारा समंदर का पानी पिघलाता रहेगा, तो ये आगे तक जा रहा है, मैंने आपको दिखाया ना आगे तक, तो ये आगे तक जा रहा है पानी, बंदा भी नीचे आ रहा था मुझे देख के ऊपर चला गया। तो बस ये सारा ये मेन कनाल का एरिया है, तो ये चेहरा सामने कि वो है बिजनेस वे है, ये सारा उधर सारा ये जुमैरा है, पीछे साइड पे जुमैरा है सारा, तो बस ये है सारा हिसाब किताब। तो आपको मैं आगे फिर जाके थोड़ा और जगहें, फिर मैं और जगहें दिखाता हूँ आपको, तो लोग रनिंग भी कर रहे हैं, मुझे किसी ने बोला था कि रनिंग करना ये सही नहीं है, लेकिन तो लोग करते हैं, उनको कहा होगा कुछ। अच्छा यहाँ पे साइकिल मना है इस साइड पे चलाना, उस साइड पे वो सेकंड ट्रैक है, इधर सेकंड ट्रैक नहीं है, तो बेसिकली जो मैं चला रहा हूँ ये मैं सही नहीं कर रहा हूँ, मेन सेकंड ट्रैक उस साइड पे ही है, तो मुझे उस साइड पे ही चलानी चाहिए साइकिल। चलें एनीवे अभी आ गए तो बस क्या कह रहे हैं चलाते हैं, फिर उस तरह चले जाएंगे, कोई पकड़ेगा तो बोलेंगे भाई पता नहीं था यार क्या करेंगे यार, यार तो। मशीन थोड़ी है जाएंगे बताओ, तो चलें ठीक है। ये भी वही बस आ गई उस साइड पर हमने देखी थी, अब ये इस साइड पर आ गई बस, ये आटी की बस है, ये सामने ये आटी की बस होगी सामने,
तो ये सिंपल ही सरकारी खड़ा है। पर तेरी गाड़ी है ये वापस हम आकर मेन एरिया में तो मैं यही करता हूँ दूसरी साइड पे चला जाता हूँ क्योंकि इस साइड से उधर जाना मसला हो जाएगा मेरे लिए तो मैं उसी साइड पे जा रहा हूँ बस। ठीक है चलें फिर अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम। ये मेन शेख जायद रोड पर आ गया मतलब ये मेन शेख जायद रोड है ये चल रहा है मैं चेंज करने के लिए वहाँ आपको आपको भुज अरब भी दिख रहा होगा पता नहीं दिख रहा होगा दूर है आपके कैमरा में पता नहीं आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा लेकिन दूर है आई थिंक। चलो एनीवे तो ये कहानी है सारी तो ये जो है हम पहुँच गए हुए हैं इस एरिया में तो अभी यहाँ से ना ये मेन शेख जायद रोड है जो आप देख रहे हैं ये मेन शेख जायद रोड है ये मेन शेख जायद रोड है ये सारा अतूर बुजुर्ग है ये आप देखें इस साइड के लिए ये सारा मेन शेख जायद रोड है ये सारा मेन शेख ये जो है सबसे ओल्ड और सबसे मेन रोड है दुबई का इसमें हमेशा बहुत रश होता है तो ये लिफ्ट आ गई है मेरे तो ये बड़ा रश वाला है वो डोर क्लोज है बता रही है डोर क्लोज हो रहा है ये ना समझेंगे डोर ओपन करके ही आपको नीचे ले जाएंगे आपको पता हो डोर क्लोजिंग और फिर कह रही है गोइंग डाउन ये ना समझे आप ऊपर ले जाएं आपको लेकिन जब अल्लाह चाहेगा तो फिर आपको कोई ऊपर ले जाने से नहीं रोक सकता ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए तो डोर ओपनिंग तो ये बंद थे मैंने घंटी मार के इनको होशियार कर दिया तो ये बस वापस कनाल के नीचे आ गए हम लोग जो तेज़ी से लोग चला रहे हैं मोस्टली फिलिपिनो गोरे लोग चलाते हैं देसी लोग बहुत कम चलाते हैं हम जैसे तो वही सारा बिजनेस देखा ही सारा बिजनेस देख यहीं से हम आए थे उसी रास्ते से भी वापस जा रहे हैं तो सही है फिर मैं आगे जाके फिर और वीडियो बनाता हूँ क्योंकि जगह तो देख ली आपने इसके बनाने की ज़रूरत तो मैं वापस पहुंच गया जगह पे जहाँ से साइकिल निकाली तो ये मैं साइकिल पार्क कर देता हूँ ये दुबई डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट का एक प्लेग्राउंड टाइप का है बास्केटबॉल का कोर्ट है और आपका वो दूसरी में भी उधर स्लाइड करते हैं वो क्या कहते हैं उसको स्केटिंग स्केटबोर्डिंग